आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। और पिछली क्लासों में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताए थे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो मतलब हीरे या सोने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें अगर कई पार्ट में तोड़ दिया जाए तो उनको नुकसान होता है, लाभ होता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज मैं इस पर एक बहुत छोटा सा मतलब आपको उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन और उसके बेस क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, एसएससी के मेंस में आते हैं, एनटीपीसी के मेंस में आते हैं, मेंस लेवल के आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन बताने से पहले आप सबको पता है कि मैं मतलब थोड़ी सी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको पर डे बताता हूँ, ताकि आप घर पर रहें, खुद से मोटिवेट रहें एकदम, और पूरे मतलब आप जैसे मतलब अपने आप को ऊर्जावान रखें, ताकि आपको अपने अंदर पढ़ने की ऊर्जा जो है कमी ना हो। तो आज मैं थोड़ी सी एक कहानी महाभारत की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, और कहानी का मतलब जो मेन पॉइंट है वो गुरु जो टीचर होता है उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो आप उस कहानी से सीख सकते हो। और पूरे महाभारत में दो कैरेक्टर सबसे मजबूत हैं, एक अर्जुन का कैरेक्टर, एक कर्ण का कैरेक्टर। जब लड़ाई होती है महाभारत में इन दो योद्धाओं के बीच में, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरी ब्रह्मांड पूरी दुनिया ये देखती है, पूरा मतलब जितने भी हमारे देवी देवता हैं ये देखना चाहते हैं कि कर्ण ज़्यादा मतलब महान है या फिर अर्जुन हमारे जो है वो ज़्यादा धनुर्धर है, ये देखने उसमें, क्योंकि दोनों एक से बढ़ के एक सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसमें अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रूव करने का समय होता है। तो एक टाइम होता है कि कर्ण और अर्जुन के बीच की लड़ाई चल रही होती है, तो कर्ण क्या करता है कि अपना जब तर्कस से तीर निकाल के जब अर्जुन के रथ पे मारता है, और रथ उनका जो होता है अर्जुन का वो तीन कदम पीछे जाता है, तो उनके रथ पे बैठे हुए भगवान कृष्ण कर्ण की काफी तारीफ करते हैं। तो ये बात देखकर अर्जुन को काफी बुरा लगता है, और अर्जुन सोचते हैं कि मेरे रथ पे बैठकर भगवान कृष्ण मेरे विरोधी का तारीफ कर रहे हैं। तो अर्जुन भी अपने तर्कस से तीर निकालते हैं और कर्ण के रथ पर मारते हैं, और कर्ण का जो रथ है वो सात कदम पीछे जाता है। पहली बार अर्जुन का तीन कदम जाता है, कर्ण का सात कदम जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि देखिए देखिए मतलब मैंने कर्ण को सात कदम पीछे मारा, उसने मुझे तीन कदम मारा था। तो फिर ये बात जब सुनते हैं कृष्ण, तो फिर उसके बाद उन्हें समझाते हैं कृष्ण कि देखो ऐसा नहीं था, कर्ण अकेले अपने रथ पे बैठा है और आपके रथ पे मैं बैठा हूँ, और सामने जो झंडा लगा हुआ है वो बजरंग बली का झंडा लगा हुआ है, तो भगवान बजरंग बली भी बैठे हैं। अगर आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्ण कितना महान धुरंधर है लड़ाई करने में, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये बताता हूँ कि फिर कृष्ण ये कहते हैं कि बजरंग बली से कहते हैं कि बजरंग बली जी थोड़ा सा आप कुछ मिनट के लिए आप अपने आप को लाइट वेट करिए, यानी कि आप आकाश में उड़ जाइए, थोड़ा सा उड़ जाइए। और कृष्ण भी अपना जो वेट होता है उसे लाइट वेट कर देते हैं, एकदम पूरा मतलब वेटलेस हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं एकदम, मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि भगवान कृष्ण भी है। फिर जो होता है कर्ण अपने तर्कस से तीर निकालता है और अर्जुन को मतलब रथ पे मारता है, और अर्जुन का रथ काफी पीछे जाता है। तो बाद में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि देखो उसके रथ पर कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला है, और आपके रथ पे इस ब्रह्मांड का सबसे महान व्यक्ति भगवान बजरंग बली खुद विराजमान है, और एक ऊपर से मैं आपका जो गुरु वो भी महान मतलब यहाँ पर विराजमान है, इसके चलते आपका रथ तीन कदम सिर्फ और सिर्फ गया था, वो अकेले था, तो इसलिए उसका जो रथ था वो सिर्फ और सिर्फ सात कदम गया, तो वो आपसे ज्यादा महान है। तो जो गुरु होता है वो आपकी हमेशा अगर आपको बताए कोई भी चीज तो आप उसे सुनो समझो, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ बोलता है। कहा जाता है अगर कृष्ण न होते तो कर्ण को हराना बहुत मुश्किल होता, ठीक है। एक और कहानी से छोटी होगी, मैं अगले कभी लेक्चर में बताऊंगा कर्ण और अर्जुन के बारे में, उसमें सर्प की कहानी है। तो ये कर्ण के बारे में कहा जाता है कर्ण बहुत ईमानदार अपने मतलब धनुर्धर, तो वो मतलब एज कम्पेयर टू अर्जुन से ज्यादा धनुर्धर, लेकिन अर्जुन के पास भगवान कृष्ण जैसे मतलब गुरु थे, तो जिसका इफेक्ट था कि अर्जुन उस महाभारत का विजेता होते हैं। तो आप गुरु की वैल्यू समझें, आप उसकी बातों को समझें, जो वो बोल रहा है जो कर रहा है वो कह रहा है वो आप उसे फॉलो करें, क्योंकि गुरु के पास एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है तभी वो आपको पढ़ा रहा है। इस बात को आप समझने का प्रयास करें, जो बातें आपको बोली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए बोली जाती हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि लाइव क्लास में आइए, आप पढ़ाई करिए, मन से पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, तो वो आपकी भलाई के लिए है, वो आज नहीं कल दिखेगा उसका असर, क्योंकि मेहनत जो होती है वो एट द इंस्टेंट नहीं दिखती, लेकिन मेहनत जब दिखती है तो पूरी दुनिया उसे दिखती है, वो चमकती सूरज की तरह होती है, चमकते हीरे की तरह होती है, लेकिन मेहनत जब आप कर रहे होते तो वो किसी को नहीं दिखती है, तो आपका जो सफलता होती है वो पूरे चमकते हीरे या सूरज की तरह होती है। तो आप मेहनत करते रहें,
तो कहानी का मोरल ये है कि आप अपने से जो बड़े हैं, जो भी अपने घर में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी आपसे कोई बात कर रहा है, जो भी बोल रहा है, उसकी बातों को माने, अपने आप को अच्छे से एकदम डिसेंट तरीके से रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो इसलिए मैं वो मोरल आपका कहानी बताता हूँ कि आप अपने आप से मोटिवेट रहें। वैसे भी COVID-19 एक बहुत बड़ा इंसानियत पे खतरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, उससे बच के रहने की ज़रूरत है। इंसान उससे खुद ही डीमोटिवेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और लॉकडाउन इतना एक्सटेंड होने की वजह से काफ़ी डीमोटिवेट है। तो इस सब चीज़ों को मतलब खुश करने के लिए मैं छोटी छोटी आपको कहानियाँ बताता हूँ। अब मैं अपने टॉपिक प्लेसमेंट प्रपोजल पे आता हूँ। कल मैं आपको जो बता रहा था कि अगर हीरा हो उसके 2-3 पार्ट हो जाए तो उसको क्या होता, नुकसान होता, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आज पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। आप उसे थोड़ा सा करें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप करते रहो फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिनके आंसर आ रहे बहुत बढ़िया, नहीं आ रहे तो मैं पढ़ता हूँ उसको, मैं बताता हूँ, पूरा आराम आराम से देखें। एक सोना 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्सों का वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपातिक है। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 रुपए का नुकसान हुआ तो सोने की मूल कीमत क्या थी, ये आपको बताना है। तो सोना जो था वो कितने भागों में टूटा था, तो 3 भागों में टूट जाता है। जब वो 3 भागों में टूट जाता है तो उसके चलते उसे कितना नुकसान होता है, 23,500 रुपए का नुकसान होता है। तो हमसे कह रहा है कि मूल कीमत क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें कैसे किया जाएगा। मैंने कहा जो आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहला पार्ट, यहाँ पर दूसरा पार्ट, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपने कहा तीसरा पार्ट, ठीक है। आपका जो अनुपात का रेशियो दिया हुआ है, मतलब आपके वजन का अनुपात कितना दिया हुआ, तो आपने कहा 3:4:5। मैंने कहा ये 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। इन सब को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो मैंने कहा इनको जोड़ेंगे, 3 और 4 7 होता है, 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 12। मान लीजिए क्या रहा होगा कि 12 उसका जो होगा कुल भार रहा होगा, सोने का कुल भार कितना रहा होगा, तो 12 ग्राम मान लीजिए वो क्या रहा होगा, जब एक साथ में रहा होगा तो 12 रहा होगा, ये कहने का मतलब होता है। और वो 3 भागों में जब टूटा तो एक में 5 बना, एक में 4 बना, और एक में कितना बना, तो आपने कहा कि 3 बना, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से कितना हो रहा, 5 हो रहा, 4 हो रहा, 3 हो रहा, ये 3 भागों में टूट रहा है। अगर उसे मैं ज्वाइंट इन सबको आपस में जोड़ लेता हूँ तो कितना जाएगा, 12। मैं मान लेता हूँ 12 उसका शुरुआत में भार रहा होगा, वो टूटने के बाद ये होगा, ठीक। अब कहता है अगली लाइन में, जो उसके अनुपात कहता है कि अगली लाइन में देखें, वजन का अनुपात सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वजन, कुल वजन कितना है, तो आपने कहा कि कुल वजन, बोर्ड पे देखते रहे आप थोड़ा सा, कुल वजन कितना है, तो आपने कहा कुल वजन तो मान लीजिए 12 है, और उसके बाद ये टूटने के बाद इसके वर्ग के, कहता है कुल वजन जो होता है उसके वर्ग के, वर्ग के अनुक्रमानुपातिक, मैंने कहा कुल वजन कितना, तो कहा 12 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये कितना, तो आपने कहा इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, जो अलग अलग भाग टूट रहा है ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 5 का स्क्वायर, बोर्ड पे देखते रहे। मैंने कहा 12 का स्क्वायर कितना होता, तो आपने कहा 144 होता है, कितना होता है 144, यहाँ माइनस रहेगा ही रहेगा, यहाँ से अगर आप करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता, आपने कहा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता, तो आपने कहा कि 25। मैंने कहा इसको अगर आपस में जोड़ लो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर ये 144 कुल भार है, उसमें से अगर ये अलग अलग वाले भार घटा दोगे, यहाँ से अगर आप 50 घटा दोगे कितना आएगा, तो आपने कहा कि 94 आ जाएगा। घटाने के बाद देखते रहो आप कितना आ रहा है, 94 आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि जो वर्ग है, भार है, वर्ग के अनुपात पाती है, तो मैंने कहा ऐसा करिए इनको मैंने घटा दिया, यहाँ वर्ग टोटल भार कितना आ रहा था, आपने कहा 12, तो मैंने कहा 12 का स्क्वायर लिखे, फिर जो भाग टूट रहा है यहाँ 3 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर है, यहाँ से फिर ये कितना 4 का स्क्वायर, फिर ये कितना 5 का स्क्वायर, ये अलग अलग जो टूट रहा है उन सबका एक साथ में स्क्वायर कर लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। तो मैंने कहा कि इसका 144 हो जाएगा, इसमें कितना 50 है, इसमें अगर घटा दूंगा कितना 94, ये क्या हो रहा है 94 का मुझे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ये कहने का मतलब है 94 का घाटा हो रहा है। तो मैंने कहा 94 का जो घाटा हो रहा है उसके बराबर कुल कितना रुपए दे रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कितना रुपए दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपने कहा कि 23,500 रुपए दे रहा है, 23,500 रुपए क्या दे रहा है, ये दे रहा है, ये क्या चीज है, तो आपने कहा घाटा वाला पार्ट है,
जो नुकसान हो रहा वो वाला पार्ट, घाटा कितने को रहा 94 ग्राम मान लीजिए, 16 ग्राम नहीं होता है, अपने का 94 ग्राम पर यहां से कहा जाएगा इसके बराबर कितना है, तो आपने कहा 23,500। तो मैंने कहा 1 ग्राम का मान निकालेंगे क्या कह जाएगा, बोर्ड पे थोड़ा सा देखते रहे, मान लीजिए ग्राम है, यहां से मैं यही कहूंगा 23,500 बटा कितना कर दूंगा, तो मैंने कहा 94 कर दिया जाएगा। अगर मैं इसको कट करता हूं ध्यान से, अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो इसका दो बार करता हूं तो ये हो जाएगा 250 पूरा आ जाएगा। कटने के बाद आप मन से काटिएगा, देखिए 94 अगर आपको नहीं काटना है तो छोटी संख्या 2 से काट लीजिए, या आप यहाँ से 2 से काटिए या फिर इसके बाद यहाँ से छोटी छोटी संख्या से काट लेंगे तो आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा 250। 1 ग्राम का दाम कितना हो रहा है, 1 ग्राम का जो दाम हो रहा है वो कितने रुपये हो रहा है, तो आपने कहा 250 रुपये हो रहा है, कितने रुपये हो रहा है 250। मुझसे सोने का मूल कीमत पूछा है, मुझसे सोने का क्या पूछा है, मूल कीमत कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि ये 12 का स्क्वायर कितना 144 है, तो सोने का मूल कीमत यहां निकालने के लिए क्या कह रहा है, बोर्ड पे देखते रहे, लेकिन सोने की ठीक है, तो सोने की मूल कीमत क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सोना यहां लिखेगा, सोना की मूल कीमत क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सोने की मूल कीमत क्या हो जाएगी, बस आपको क्या करना होगा, तो आपने कहा यहां से 144 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें किससे गुणा किया जाएगा, 250 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए 250 मुझे पहाड़ा तो नहीं आता, मैंने कहा सीधे सीधे ऐसा करिए कि 25 का करिए, 2500 को कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 2500 का 100 हो जाएगा, 2500 का 100 उसमें 10 जोड़ देंगे कितना 110, यानी 11 बचेगा, 25 से कम 25 और उसमें 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 36 और यहाँ एक जो बढ़ जाएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा 36,000 रुपये हो जाएगा, कितना हजार रुपये सोने की मूल कीमत कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपये हो जाएगी। तो जब भी आपको हीरा दे, सोना दे, लकड़ी दे, कुछ भी दे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे और कहा कि तीन पार्ट में टूट रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उसके अनुभव पाती है, तो आप हमेशा तीनों पार्ट को आपस में जोड़ दीजिए, जो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और ये अलग अलग पार्ट को घटा दीजिए, और ये आपको नुकसान वाला पार्ट होता, अगर फायदा होता तो फायदा वाला पार्ट होता। यहाँ से मूल बोध से बाहर पूछा है, तो मैंने ये कल क्वेश्चन बताए थे, आज इसलिए मैं बता रहा ताकि आपको पता रहे। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो मेन्स लेवल का क्वेश्चन है, आपकी जो एसएससी मेन्स में आता है, रेलवे एनटीपीसी मेन्स में आता है, उस टाइप के पैटर्न के पूरे सेम एक साइड में एक साथ में मैं बता देता हूँ। देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसे मतलब पहले एक बार क्वेश्चन पढ़े फिर मैं बताता हूँ उसे कैसे करना है। पहला वो क्वेश्चन है, आप उसे पढ़े पहले ध्यान से, फिर मैं आपको बताता हूँ उससे कैसे किया जाएगा, ठीक है, आराम से पढ़ लिया सभी लोगों ने, आराम से पढ़िए जरा। सभी लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन एकदम में दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप ध्यान से सुने, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 6:1 था, यदि 30 कम ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 7:1 होता, तो कितने अभ्यर्थियों की प्रक्रिया में आवेदन किया था, परीक्षा प्रक्रिया में आवेदन किया था। ऐसे क्वेश्चन को बताना है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, बहुत आराम से आप बोर्ड पे देखते रहे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत आराम से मैं इसके एक चीज और बताऊंगा, एक तो ऑप्शन से होता है कि ऑप्शन से देखते ही कैसे कर देना होता है, लेकिन अभी मैं पहले बेसिक मेथड बताता हूँ, आराम से एकदम बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन जो आपको कह रहा है उसे आप समझने का प्रयास करें, उसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ आप सबके लिए, क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखेंगे, मैं उसको पूरा डाटा लिखता हूँ और उसके बाद कहता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है देखें ध्यान से, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड लिखना, लेकिन मैं हिंदी में लिखता हूँ चयनित और अचयनित, चयनित का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, तो आपने कहा कि 6:1 कितना है 1, बोर्ड पे ध्यान से देखिए बहुत आराम से, कहता है कि चयनित और अचयनित का अनुपात कितना 6:1 का, यदि 30 लोगों ने कम लोगों ने अप्लाई किया होता, फॉर्म भरा होता, देखो यहां से अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि कुल कितने विद्यार्थियों ने भर्ती में प्रक्रिया में भाग लिया, तो फेल हुए और पास हुए कुल मिला के वही तो है,
अगर मैं आपसे पूछ लेता कि पूरी परीक्षा में कुल कितने लोग बैठे थे, आप इन दोनों को जोड़ दो तो वही तो कहोगे ना, यही लोग बैठे थे कुल। तो यानी कि कुल परीक्षा में, मतलब देखें कुल, अगर मैं पूछ लेता हूँ विद्यार्थियों की संख्या, देखें विद्यार्थियों की संख्या अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यही लिखूंगा ना, यहाँ से आप इसे 6x मान लीजिए और ये प्लस 1x, चयनित और अचयनित को अगर जोड़ देगा कुल क्या हो जाएगा, यही तो आपके कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, तो 7x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन में पढ़ता हूँ, अब देखें ध्यान से, कहता है कि अभ्यर्थियों को यदि 30 कम आवेदन किए होते हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 7x है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 7x है, 7x में से 30 घटाया जाएगा, कुल में से 30 कम होते हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन। और अगली लाइन क्या कह रहा है, नीचे ध्यान से देखें, नीचे बटे में क्या आएगा, तो बटे में कहता है क्या आएगा, आवेदन किया होता तो 10 कम चयनित होते, अगर 30 लोग कम मतलब फॉर्म भरते तो 10 कम लोग चयनित होते, तो चयनित कितने हैं, तो आपने कहा 6x है, 6x में से क्या किया जाएगा, 10 घटा लिया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में रेशियो कितना बन रहा है, अंतिम रेशियो कितना बन रहा है, आपने कहा कि जो अंतिम आपका चयनित और अचयनित बन रहा है, तो ऊपर क्या लिखा गया, कुल लिखा गया, तो चयनित और अचयनित का 7 अनुपात 1 है, तो उसमें वो ऊपर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे चयनित कितने हो जाएंगे, आपने कहा 7 हो जाएगा। बस इसी क्वेश्चन को सरल कर लीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म। और ये मेंस का है क्वेश्चन, है ये 2017 मेंस का है, किसका है, अगर आपसे कोई मतलब ये क्वेश्चन आप सोचो, देखो SSC मेंस में आया था, किसमें, 2017 में, SSC के मेंस में आया था, ठीक है, SSC में आया, सोचो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इजीली लगता है ये। अब यहाँ से सभी लोग करते रहो, अब x का मान बताओ जल्दी से, सभी लोग करते रहो, मैं बता रहा हूँ, तब तक आप जल्दी से करते रहे, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ से इसका इसका त्रिक गुणा किया जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, तो अपने का 49x हो जाएगा, 7 × 31 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो अपने का 8×48 हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक, माइनस में कितना हो जाएगा, तो अपने का 80 हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, x को एक साइड कर लो, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 49 में से 48 निकलेगा तो कितना बचेगा, अपने का x, इसको इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, यही होगा ना, इसको इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैंने कहा कि -80 और +210, अगर आप घटा दोगे इसको, घटाओगे कितना जाएगा, x का जो मान निकलेगा हम सबको पता हो कितना जाएगा, तो अपने का 130 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये 130 घटा दोगे कितना जाएगा, तो अपने का 130 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमसे क्या पूछा गया था, कहता है कि कितने अध्ययन प्रक्रिया में आवेदन किया था, आवेदन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7x है ना, कुल तो यही है, चयनित अचयनित मिला के 7x है, तो मैंने कहा कि x के ऊपर क्या रखा जाएगा, तो आपने कहा कि 130 रखा जाएगा, बस, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो अगर मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा देखते रहे आप इधर, मैं लिख देता हूँ यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, आपके टोटल स्टूडेंट कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, जो मतलब फॉर्म अप्लाई किए थे, तो टोटल स्टूडेंट बराबर आपके यहाँ 7x है, बोर्ड पे देखें 7 अपनी जगह पे रहेगा, 130 का उसमें गुणा कर दीजिए, 1391 होता है, यही होगा, बोर्ड पे देखें आप 1391 होता है कि नहीं होता, सबको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन क्यों तो 1391 हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, तो आपने कहा 910 हो जाएगा, तो टोटल विद्यार्थियों ने कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, तो आप कहोगे 910 लोगों ने भरा था, ठीक है, एकदम आराम आराम से देखेंगे, अगर नहीं आ रहा तो फिर अगला वाला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे आएगा, आप उसको देखें फिर उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था चयनित यहाँ पर है, अचयनित विद्यार्थी यहाँ पर है, इनका अनुपात कितना था, मेरा 6 है, इनका कितना 1 है, तो मैंने कहा कुल कितने विद्यार्थी होंगे, अगर आपसे कोई पूछ लेगा, मान लो एक परीक्षा है, मैं कहता हूँ एक परीक्षा में मान लो मैं ये कहता हूँ कि 60 लड़के पास हो गए और 40 लड़के फेल हो गए, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने लोग हैं, तो आप क्या कहोगे, 60 + 40 ही तो कहोगे, यही कहोगे ना, तो मैंने कहा कि यहाँ पर चयनित जो दिया और अचयनित दिया, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ कुल कितना जाएंगे, तो आपने कहा 6x + 1x बराबर कितना, 7x। ये जो 7x आपको दिखाई दे रहा है ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन जब कहता है कि जो कुल विद्यार्थी हैं उसमें से अगर 30 लोग कम फॉर्म भरते, मैंने कहा कुल विद्यार्थियों में से 30 लोग अगर कम फॉर्म भरते तो जो लोग सिलेक्ट हुए उसमें से 10 लोग कम होते, यानी कि 6x में से क्या होता है, 10 लोग कम होते, उनका जो रेशियो बनता है कितना, 7 अनुपात 1, यानी 7 अनुपात 1 का मतलब हो जाएगा 7 और 1 8 मिला देंगे कितना, 8 हो जाएगा, और बटे में कितना जाएगा, अपने का 7 हो जाएगा। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या हो जाएगी, सिलेक्टेड व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। बस आप इस समीकरण को सरल कर लोगे, x का मान निकलेगा, आपको जो पूछ लेगा, चाहे फेल पूछे, चाहे पास पूछे, या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछे, अब बताना चाहोगे किसी को कोई दिक्कत अब नहीं हो रही, समझ में आ रहा होगा, x का मान निकला, मुझसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा था मैं ये बता दिया, मुझसे पूछता पास वाले विद्यार्थी चयनित विद्यार्थी कहता मैं इसमें x का मान रख देता, अगर पूछता फेल चयनित वाले कहता इसमें x का मान रख देता, निकल जाता है ना।
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर दो देखें, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उसे करने का प्रयास करें, मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर तीन करते रहे, जिनके आंसर आ रहा है कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो बोर्ड पे देखें कैसे किया जाएगा, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके लिए लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं, आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपको बताता हूं कैसे किया जाएगा। देखें, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 9:2 था। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता, तो कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। हमको अभी भी क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कुल कितने कैंडिडेट ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, ये हमको बताना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं उसे करता हूँ, आप भी करते रहें। जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे, नहीं आ रहे हैं आप प्रयास करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, समझे आप। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाते हैं, हर बार उनकी मुट्ठी खाली नहीं होती, तो आप समझने का प्रयास करें, है ना। आप खुद से मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें, का मन से पढ़ाई करें, बहाने बिल्कुल मत लगाएं। मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, जो लोग बहाने नहीं लगाते वो कुछ भी बन सकते हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, वो हो सकता है हमारे भारत के चीफ बन सकते हैं, चीफ आर्मी के बन सकते हैं, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी का मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, आप उसे सुने सीखें। टूर ऑफ ड्यूटी का वीडियो मैंने बताया है, वो दिखाया है, आप उसको सीखें, समझने का प्रयास करें टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। ऑब्वियसली मैंने उसमें पूरी चीजें जानकारी दी है, और मैं कल एक संडे का दिन है तो मैं आप सबके लिए जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं एक कल वीडियो बनाऊंगा, भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में आजकल वो थोड़ी सी दरार आ गई है, तो मैं उसका पास्ट यानी इतिहास से लेकर प्रेजेंट का सिनेरियो सब कुछ बताऊंगा। वो वीडियो मैक्सिमम 8-10 मिनट होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने देश से प्रेम करते होंगे तो भारत और नेपाल के रिश्तों की जो पूरी जानकारी है उसे देखने आपका लाइव जरूर आएंगे, और उसकी टाइमिंग बता दी जाएगी आपको। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, करंट का टॉपिक है, क्योंकि नेपाल, मैं छोटे से एक बात बताता हूँ, नेपाल ने एक अपना मैप जारी किया जिसमें उत्तराखंड का कुछ इलाके उसने डिस्प्यूटेड रूप से अपने में दिखाया है, तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी कल आपको दूंगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसे लाइव आएंगे, और वो वीडियो आपको मतलब संडे के दिन लाइव आएगा, तो मैं बताऊंगा कल कितना बजे टाइम आएगा, तो टाइम का वेट करिए, लेकिन आप उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ते रहें। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बताता हूं, 3 का सोल्यूशन देखें इसको कैसे किया जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते रहें, थोड़ा सा सहयोग करें, अभी सिस्टम जनरेट नहीं हो पाता है, वरना मैं आपके कमेंट जिस दिन पढ़ूंगा पता चलेगा, फिर मैं उनको नाम से भी संबोधन करूंगा। कुछ लोगों की इच्छाएं होती है कि नाम बोला जाए, तो वो भी मैं करूंगा, मुझे भी इच्छाएं होती है नाम मतलब बोलना किसी का, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि मैं आप सबके लिए खड़ा होता हूं, ठीक है। देखें, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक आदमी की भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 9:2 है, तो यहाँ से आप हमेशा वही सेम पैटर्न पे लिखोगे, यहाँ लिखो आप जैसे हिंदी में चयनित, चयनित लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, अचयनित, अचयनित, चयनित और अचयनित लिख लिया आपने, इनका अनुपात कितना दिया है, आपने कहा 9:1 कितना दिया है, 2 दिया गया है, ये दिया गया है। मैं कह देता हूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपने कहा कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए कैसे हो जाती है, मैंने कहा यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कैसे लिखी जाएगी, तो आपने कहा कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से 9x और प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर कुल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कुल कितना हो जाएगा 11x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास टोटल विद्यार्थी कुल कितने हैं, तो आपने कहा 11x है, यहाँ पर चयनित कितने हैं 9 है, अचयनित कितने हैं 2 है, कुल हो गए 11x हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन में अगली लाइन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन जो अगली लाइन कह रहा है, कहता है कि यदि 80 लोग कम भरते
कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो आपने कहा 11 एक्सन से अगर क्या होता 80 लोग कम भरते तो चयनित विद्यार्थी कुल कितने हैं? तो आपने कहा 9 एक्सन, उसमें से कुल कितने कम लोग सिलेक्टेड होते? तो आपने कहा कि 20 लोग कम सिलेक्शन होता, कितने लोग कम होता? 20 लोग का। और फिर यहाँ से अगली लाइन पढ़े, उनका लास्ट में अनुपात चयनित और अचयनित का कुल कितना बनता था? 5:1, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाते? 6, और चयनित कितने हैं? आपने कहा 5। बस इसको सरल कर लीजिए, 11 कितना 5 है, 11 5 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 55x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 5 40 यानी 400 बराबर यहाँ तो रहेगा। 9 6 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 54x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 6 कितना हो जाएगा? 6 और 20 का उड़ा के 120 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप क्या करें, x को x के साथ कर लो, तो 55 में से अगर आप 54 निकाल दोगे तो 55x - 54x करोगे कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको इधर लेके जाओगे 400 तो आपका प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा? आपने कहा 120 हो जाएगा। बोर्ड पे देखें x बराबर आपका कितना निकलेगा? तो आपने कहा यहाँ से x बराबर आपका 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा? 2। x का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 280 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम पूरा समझ में आ रहा है आराम आराम से। मैंने कहा चयनित विद्यार्थी कितना है? तो आपने कहा 9। अचयनित कितना है? तो 2। मैंने कहा कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? तो आपने कहा कि 9x+2, क्योंकि दोनों को मिला के 11x वगैरह कुल विद्यार्थी यही होंगे ना। अब कहता है कुल विद्यार्थियों में से अगर मान लें आपके 80 विद्यार्थी कम अप्लाई करते फॉर्म, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसमें चयनित विद्यार्थी कितने कम रहते? 20। तो नया अनुपात कितना था? कुल विद्यार्थी 6 होते और चयनित कितने होते? 5। तो मैंने कहा नया अनुपात कितना हो जाता? तो आपने कहा 11 5 55, और इसका गुणा कर दूंगा कितना? 400 हो जाएगा। तो मैंने कहा 9 6 54 हो जाएगा, 54x हो जाएगा, और यहाँ से 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 55 में से अगर 54 निकाल देंगे कितना है? x 400 में से 120 निकाल, 280 हो जाएगा। अब मुझसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा, क्या पूछा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके? 11 है। 11 में 280 का गुणा कर लीजिए, बस आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, और गुणे में क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। और यहाँ से गुणा कर दीजिएगा, 11 0 11 हो जाएगा, 11 8 88 होता है, 8 बचेगा, 11 2 22, और कितना हो जाएगा? 3। तो 3080 कुल विद्यार्थी थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी थे? 3080 विद्यार्थी थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसमें चयनित 9 थे, 9 अनुपात में थे, अचयनित 2 अनुपात में थे। तो मैंने कहा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9x+2x बराबर कितना? 11x। बहुत आराम आराम से समझने का प्रयास करो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी दम नहीं है, और ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ये NTPC में 1 नंबर का आता है, SSC में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो एकदम आराम आराम से समझो आप, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा टोटल विद्यार्थी कुल कितने हो गए? तो आपने कहा कि 9 और 2 कितना है? 11 हो गया, 11x हो गया। माइनस कितने हैं? अगर 11x में से कहता 80 विद्यार्थी कम भरते फॉर्म, तो कुल जो सिलेक्शन वाले विद्यार्थी उसमें से क्या होते? 20 कम हो जाते। नया अनुपात तो वहां से लास्ट में देखोगे 5:6 5:1 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 1 6 हो जाएगी, बड्डे में कितना चयनित हो जाएंगे। अब इसको सरल करोगे x का मान निकलेगा, यहाँ से कुल विद्यार्थियों की संख्या 11x है, तुम्हारे का 11 में गुणा कर लीजिए, 280 का 3080 आ जाएंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स करें, सभी लोग यस लिखते रहें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, आप उसे करें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप उसे करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है, करें आप जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आप देखें कैसे इसको करना है। तो आपने कहा कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था, यदि 80 कम आवेदन किया होता और 40 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 4:1 होता, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? कुल यानी विद्यार्थियों की क्या बतानी, संख्या बतानी है, ये आपको बताना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर दिस प्रोसेस, आपको ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न पे आंसर सबके आने चाहिए। कमेंट फास्ट करो, अपने आप को तेज करो, एकदम जल्दी जल्दी किया करो, टाइम लॉस बिल्कुल मत करो।
अपने आप की स्पीड बढ़ाओ, जितना आप अपने आप को विकसित कर सकते हो उतना विकसित करो, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। एग्जाम में जो लड़ाई होती है वो टाइम की होती है, ना कि आपके मतलब क्वेश्चन की होती है, ठीक है। तो टाइम को आप अपने आप को अभी से मजबूत करिए। मैं करता हूँ सल्यूशन, मैं बताता हूँ आपको, बोर्ड पे देखें सल्यूशन इसका, देखें बोर्ड पे, सभी लोग आप बोर्ड पे देखते रहे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये एकदम आराम आराम से आप इसको देखें। दो नंबर आपके जेब में है, चयनित, यहाँ चयनित है, यहाँ अचयनित है, अचयनित चयनित अचयनित चयनित अचयनित, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा चयनित और अचयनित का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? आपने कहा कि चयनित और अचयनित का जो अनुपात है वो कितना है, तो आपने कहा 3:1 है। तो मैंने कहा कितना है, तो आपने कहा 3:1 है। तो मैंने कहा कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, आप क्या कहोगे कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कि संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तो मैंने कहा इन सबको आपस में जोड़ लीजिए और x मान लीजिए, तो यहाँ से 3x और +1x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 4x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, 3x + 1x बराबर कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 3x + 1x बराबर कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 4x। कहता है कि कुल विद्यार्थियों में से यदि 80 लोग कम आते हैं, तो मैंने कहा अनुपात कैसे बनेगा, कुल विद्यार्थी कितने होगा, 4x, उसमें से अगर 80 लोग कम आते हैं और जो लोग सेलेक्ट हुए, 3x सेलेक्ट हुए, उसमें से कितने कम सेलेक्ट होते, 40 कम होते हैं, 40 कम अगर सेलेक्ट होते तो कहता है कि चयनित और अचयनित का जो अनुपात बनता, तो यहाँ से ऊपर क्या लिखा गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई, तो मैंने कहा ऊपर 4 कितना हो जाएगा, आपने कहा 5, नीचे क्या है चयनित है, मैंने कहा यहाँ पर 4 है। बस आप संकरण सरल करो, जल्दी संकरण बताओ, सभी लोग जिनके संकरण नहीं बने तो संकरण बन गए, आप आंसर बताओ एकदम कमेंट फास्ट करो, अपने आप को एकदम मतलब बहुत तेज करो, ठीक है। देखिए अब 4 कितना हो जाएगा, आपने कहा 16x, यहाँ से 4 कितना हो जाएगा, आपने कहा 32, 5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 15x, ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 40 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 200। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मैंने कहा x इधर आ जाएगा कितना बचेगा, तो आपने कहा x 16 में से 15 निकलेगा, x बचेगा 320 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसमें 200 घटा देंगे कितना बचेगा, तो आपने कहा 120 बचेगा, यानी 320 में से अगर आपने 200 घटा दिया तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 120 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, आंसर बताते रहो आप, ग्रुप को बिल्कुल मत, आपकी पेन नहीं रुकनी चाहिए, बाकी सब रुके, आप एकदम देखो टीचर आपके लिए कितना मेहनत करता है, गर्मी होती तब भी पढ़ा देता टीचर, तो आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करो, आप तो मतलब पंखे के नीचे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, बाहर पढ़ सकते हो, अगर लाइट नहीं तो बाहर पढ़ सकते हो, तो समझने का प्रयास करो आप, अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसकी वैल्यू समझो, आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत होती है। यहां से मैंने कहा कि अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर आप यहां से चेक करोगे, विद्यार्थियों की संख्या, इस संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा यहां से 4x की जगह पर मैं क्या रखूंगा, तो आपने कहा 120 रख दीजिए, और 12 से 48 होता है, यानी कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 480 क्या हो जाएंगे विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 480। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा एकदम आराम आराम से। अब आज के बाद अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे चयनित और अचयनित, चाहे जो भी एग्जाम हो आप हमेशा कर ले जाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं मिटाता हूँ, देखें 5वां क्वेश्चन नंबर आप देखें थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसे करते रहे, मैं बताता हूँ, तब आंसर आप सबके आने चाहिए, किसी के नहीं, ऐसा बहाना होना चाहिए, नहीं आ रहा है आपको बहाने नहीं चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आपके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, कमेंट फास्ट करो, एकदम तेजी से करते रहो, जो लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट जल्दी से करें। देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था, यदि 90 कम ने आवेदन किया होता है और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता, तो कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में आवेदन किया था, परीक्षा प्रक्रिया में आवेदन किया था। सेम एकदम पैटर्न का है,
केवल संख्याएं बदल रही हैं। आप देखो अब आपको करना चाहिए, आंसर आने चाहिए सबके एकदम बिल्कुल। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, आप करते रहे जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ, कमाल फास्ट एकदम। देखिए मैं बताता हूँ सोल्यूशन, जिनके आंसर आ रहे बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे प्रयास करो, आप अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। देखो यहाँ चयनित है, चयनित है और इंसान बात किससे, अचयनित से, अचयनित है। इन दोनों का अगर अनुपात देखोगे, ये सिलेक्टेड है, ये अनसेलेक्टेड पर्सन है, समझे आप, सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड है, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा चयनित और अचयनित का जो अनुपात दिया हुआ है वो आपको जो दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए मैं बता रहा हूँ, जिनके अंदर आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे तो दिक्कत नहीं है। चयनित कितने हैं, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, तो आपने कहा कि चार अनुपात है, कितना है, आपने कहा एक है, तो मैंने कहा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, तो आपने कहा चार एक्स और प्लस वन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि फाइव एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चार एक्स बराबर पांच एक्स, एक एक्स बराबर कितना हो जाएगा पांच एक्स, तो मैंने कहा कि पांच एक्स तो हो ही जाएगा। इसमें से अगली लाइन क्या कह रहा है, अगली लाइन ये कह रहा है अगर उसमें से नब्बे लोग कम भरते, कितने लोग कम भरते, कुल विद्यार्थियों में से नब्बे कम होते, तो जो लोग चयनित है, चयनित कितने विद्यार्थी होते, आपने कहा कि चयनित विद्यार्थी तो कितने हो रहे, चार है, उसमें से क्या होता है कि बीस लोग कम हो जाते हैं, और जो नया रेशियो मेरा लिखता, नया रेशियो कितना कह रहा है, तो नया रेशियो कह रहा है कि पांच अनुपात एक यानी कि छह बटा कितना हो जाएगा, आपने कहा छह बटा पांच हो जाएगा, यही है। यहां से देखो ध्यान से करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो छह कितना पांच और पच्चीस हो जाएगा, माइनस पांच नौ पैंतालीस आता पचास बराबर छह चौक कितना हो जाएगा, आपने कहा चौबीस एक्स, और यहां से करो तो कितना हो जाएगा, आपने कहा एक सौ बीस हो जाएगा। मैंने कहा ये पच्चीस में से अगर ये इधर आएगा माइनस आएगा तो कितना बचेगा, सेफ और सेफ एक्स, ये इधर जाएगा कितना बचेगा, तो आपने कहा कि प्लस हो जाएगा, इसी से अगर मैं घटा देता हूं तो आपने कहा कि जीरो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा यहां से आपका जो बचेगा वो तीन हो जाएगा। आई एम राइट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तीन सौ तीस हो रहा सबको। यहां से देखें आपने कहा यहां से कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि एक चार सौ पचास में से अगर एक सौ बीस घटा दिया जाएगा, चार सौ पचास में से अगर एक सौ बीस घटा जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहां से आपका कितना बचेगा दो, यहां भी आपका कितना हो जाएगा तीन सौ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तीन सौ तीस हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था, कुल विद्यार्थियों को आपसे पूछा कुल विद्यार्थियों की क्या बताए संख्या, मतलब कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने हैं, आपने कहा कि कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो आपने कहा कि टोटल स्टूडेंट में आप क्या करिए पांच गुणे एक्स की जगह पर क्या तीन सौ तीस रख दीजिए और गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जीरो और पांच के पंद्रह हो जाएगा, पांच के आपका पंद्रह होता है, पांच के पंद्रह एक्स सोलह हो जाएगा, सोलह सौ पचास हो जाएंगे, पांच जीरो जीरो हो जाएगा, पांच के पंद्रह और पंद्रह एक्स सोलह हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा आराम आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, आप सब लोग कोई अगर सुझाव हो तो नीचे जरूर कमेंट करो, कोई एडवाइस हो तब भी आप करो, आप सबका स्वागत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube पर मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, तो आप मतलब वो चीज़ें कर सकते हैं, और आप Facebook पेज को फॉलो कर सकते हैं Delhi Academy को, Instagram वाले पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन्हें करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसे करने का प्रयास करें, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छह मैं पढ़ता हूँ, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात पांच अनुपात एक था, यदि सौ कम उन्हें आवेदन किया होता है, बीस कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात छह अनुपात एक होता, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। ये मेंस के आए हुए क्वेश्चन है सब पूरे, और आपको यहाँ से बताना है, तो मैंने कहा इसमें सेम ऐसे पैटर्न पर करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखो, सोल्यूशन देखते रहे आप, सोल्यूशन मैंने कहा यहाँ पर आपका क्या है, तो आपने कहा चयनित है, और यहाँ पर आपका क्या है, तो आपने कहा अचयनित है, अचयनित है, चयनित और अचयनित हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। इनका अनुपात कितना दिया हुआ,
तो आपने कहा इनका अनुपात 5:1 दिया हुआ है। मैंने कहा यहाँ से 5:1 कितना है, 1 हो गया। तो मैंने कहा टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट बराबर आपको कितना लगा, मैंने कहा 5x और प्लस में 1x बराबर कितना लगा, 6x, यही हो जाएगा। सबसे लोग अंतर बताते हो 6x। अब मैंने कहा अगली लाइन पढ़ोगे तो कहता है कि अगर कुल जो विद्यार्थी है उसमें से 100 लोगों ने कम फॉर्म भरा होता तो जो लोग सेलेक्ट हुए, तो 5x लोग सेलेक्ट हुए उसमें से कितने कम हो जाते सिलेक्शन में, तो कहता है कि उसमें 20 लोग क्या हो जाते, कम चयन हो जाते। कितने लोग कम होते, तो आपने कहा कि 20 लोग यहाँ से कम हो जाते, तो जो नया अनुपात बनता है वो कितना रहता है, आपने कहा 7/6 आ जाता है। ये उत्तर है क्वेश्चन, क्या अनुपात क्या हो जाता है, 7/1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक्स का अनुमान होता जल्दी बताओ आप सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसका इससे गुणा करो कितना जाएगा, 36x। इसका करोगे कितना जाएगा, 600। इसका करोगे 7/5 कितना जाएगा, आपने 35x। इसका करोगे तो 140 हो जाएगा। मैंने कहा इसको घटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक्स बचेगा, 600 में से अगर 140 घटा दोगे, 600 में से अगर 140 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना जाएगा, तो आपने कहा 6 हो जाएगा। यहाँ 5 बचेगा, 5 में से कितना 460 हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकला, 460। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6। तो मैंने कहा टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा कि यहाँ से देखें 6 है और उसकी 460 है, इसमें गुणा कर देंगे कितना जाएगा, तो आपने कहा 0, 6×6=36 और 6×4=24 और 24×3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ 2700 कितने हो जाएंगे, 60 स्टूडेंट टोटल हो जाएंगे। ये आपको बताना था, कुल इतने विद्यार्थी थे जिन्होंने फॉर्म के लिए भरा था, ये आपको बताना था। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा देख लें सारा क्वेश्चन, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, कोई दिक्कत ना हो आपको, जहां भी क्वेश्चन मिले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखें थोड़ा सा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ आप उसे करने का प्रयास करें, जल्दी करें, पूरी मैथ का पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में, जब भी आपका पेपर हो आप तुरंत दोहरा लें हर चीजों को। ठीक है, इसलिए आपको नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है, आप टीचर की बातों को मानें, क्योंकि कृष्ण ने मतलब अर्जुन को ज्ञान दिया है, अर्जुन ने उनकी बातें मानी इसलिए उनको विजय मिली। ठीक है, तो जो लोग गुरु की बात मानते हैं वही मतलब इंसान सक्सेस होते हैं, आप बात मानो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ता हूँ। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 है। यदि 90 कम आवेदन किए होते और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, यह आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी बताएं इसे। जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे हैं वो बोर्ड पे देखेंगे कैसे किया जाएगा। मैंने कहा इनको कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखें हमेशा उसी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका चयन क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आपका चयनित, यहाँ पर क्या हो जाएगा अचयनित, यहाँ से क्या हो जाएगा अचयनित, ये अनुपात कितना दिया हुआ है। तो मैंने कहा चयनित और अचयनित यहाँ से दिया हुआ है, तो मैंने कहा इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा इनका अनुपात 6:1 दिया हुआ है, कितना है, तो आपने कहा 6:1। तो मैंने कहा टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जिन्होंने मतलब अप्लाई किया था, तो आपने कहा कि 6x+1x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 7x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा एकदम समझ में आ रहा है, आप तो आंसर भी सबके आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे आप देखते रहेंगे। यदि कितने 90 लोगों ने कम आवेदन किया होता, देखें कहता है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 7x, इसमें से अगर 90 लोग कम होते, जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं 6x लोग सेलेक्टेड हुए, तो उसमें से क्या होता, कितने लोग कम हो जाते, 30 लोग कम हो जाते, तो नया अनुपात कितना बन रहा है, नया अनुपात आपका जो बनना 8:1, यानी कि 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका इसका गुणा करेंगे 8 कितना पता होगा, 56। यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, 720। इसका करेंगे 9×6 कितना होता है, 54। यहां से करेंगे 9 तक कितना होता है, 27 होता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा इसको और इसको घटा देंगे कितना जाएगा, तो आपका 2x हो जाएगा, और यहां से आप क्या करोगे 720 प्लस हो जाएगा, -270 आपका यहाँ रहेगा ही जाएगा, घटा दो जरा, तो 2x का मतलब सीधा से यहाँ 0 हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा, और यहां से 6 बचेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2x बराबर आपका कितना, तो आपने कहा x से ये कट जाएगा, तो x का जो मान निकलेगा 2×2=4 होता है, 2×2=4, 2×5=10, यानी x का जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा, 225। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने कहा यहाँ थोड़ा गुणा कर देखें, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, अब आप गुणा कर सकते हो बहुत जल्दी, आप कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे,
तो आपने कहा कि 7 और x की जगह पर क्या रखोगे 225 रख दोगे, गुणा करो 7 × 5 = 35 को 5, 7 × 14 = 17 और 7 × 14 = 14 कितना आ जाएगा 15। 1575 क्या थे, कुल विद्यार्थी थे जिनके आंसर 1575 आ रहे हैं उनके आंसर बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे हैं वो आप चेक करो कहाँ गलती हो रही है। ये आज इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पूरे करवाए हैं। इसी प्रक्रिया में जो चयनित और अचयनित वाले क्वेश्चन होते हैं वो जो आपको मेंस लेवल में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ये अच्छे हैं लेकिन करने का तरीका आसान है इसलिए आपको आसान लग रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें बढ़िया से कदम कंट्रोल करें और पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप वीडियो को जरूर लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुद की केयर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू सो मच।